हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं करंट रेशो एंड वर्किंग कैपिटल रेशो। अब करंट रेशो के साथ लिक्विड रेशो भी आता है, हमेशा वो जोड़ी है। तो सबसे पहले जैसे अगर हमें करंट रेशो पूछ रहा है तो हमें उसका फॉर्मूला लिखना है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हम 5 से 6 लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग करंट एसेट्स और लाइन ड्रॉ करके करंट लाइबिलिटीज लिखते जाएंगे। अब जो जो पॉइंट्स करंट एसेट्स है वो करंट एसेट्स में लिखेंगे, करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे। जैसे स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट होता है तो हम करंट एसेट्स के साइड लिखेंगे। नेक्स्ट डेटर्स, अब जब भी डेटर्स की पॉइंट हो तो चेक करने का हमारे को बीडीआर है क्या सम में, तो है बीडीआर। कितना है बीडीआर? 20,000। तो माइनस कर देने का 2,50,000 में से 20,000 माइनस करके नेट डेटर्स लिखने का। देन वी हैव कैश एंड कैश इक्वलेंट, वो हमारा करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स के साइड लिखने का। नेक्स्ट फर्नीचर नॉन करंट एसेट है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी के साइड लिखने का। देन वी हैव शॉर्ट टर्म लोन्स एज अ करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी में लिखने का, शॉर्ट टर्म लोन्स। देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट, करंट एसेट्स के साइड लिखने का। देन बैड डेट्स रिजर्व हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 60,000 करंट एसेट्स। देन क्रेडिटर्स इज अ करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स 2 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000। अब हम इनका टोटल करेंगे तो 7,85,000 करंट एसेट्स का आ गया, 3,50,000 करंट लायबिलिटीज का आ गया। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर लेंगे, करंट एसेट्स 7,85,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000 इज इक्वल्स टू 2.24:1। इसका मतलब होता है 1 रुपए के करंट लायबिलिटी के सामने हमारे पास 2.24 के करंट एसेट्स हैं। अब मैंने बताया था करंट रेशो का जोड़ीदार होगा लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें से करंट लायबिलिटीज तो हमारे पास पड़ी हुई है 3.5 लाख, 3,50,000। अब लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लिखेंगे। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब आप एक एक चीज दिखाएंगे तो फिर पूरा ही नहीं होगा, तो अभी आपको यहां से फटाफट लेना है करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना है। मतलब 7,85,000 में से 3,60,000 माइनस करिए। कैलकुलस ऑन 7,85,000 माइनस 3,60,000, सो यू गेट 4,25,000। हमने क्या किया, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक माइनस कर दिया, वी गॉट 4,25,000 एज लिक्विड एसेट्स। तो ये लिखेंगे लिक्विड एसेट्स, न्यूमरेटर मिल गया 4,25,000, करंट लायबिलिटीज आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है 3,50,000, लिक्विड रेशियो हो गया 1.2:1। मतलब 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के पीछे हमारे पास लिक्विड एसेट्स 1.21 है। नेक्स्ट, अब ये इलस्ट्रेशन है, इसमें करंट रेशियो पूछा है, सिर्फ करंट रेशियो पूछा है तो सिर्फ करंट रेशियो पहले तो फॉर्मूला लिख लो। 1 मार्क इज फॉर फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ड्रॉ करो 5-6 लाइन छोड़ के करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज जैसे मैंने बताया, और लिखते जाओ जो चीज जहां जहां आ रही है। जैसे डेटर्स, तो मैंने बताया था डेटर्स चेक करने का बीडीआर है क्या, सम में बीडीआर है, यस वी हैव बीडीआर। तो 1,80,000 में से 70,000 काट के डेटर्स लिखेंगे, 1,70,000 करेक्ट। देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में लिखो बिल्स रिसीवेबल, जो जहां आता जाए, करंट एसेट में, करंट लायबिलिटी में। देन वी हैव स्टॉक करंट एसेट्स, स्टॉक करंट एसेट्स। देन वी हैव कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट इज इन करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्वलेंट करंट एसेट। देन वी हैव मशीनरी, नो मशीनरी इज अ नॉन करंट एसेट, फर्नीचर इज अ नॉन करंट एसेट, बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, सो बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, यू विल राइट इट इन करंट लायबिलिटीज। देन यू हैव शॉर्ट टर्म लोन्स इज अ करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ करंट लायबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म लोन्स इज अ करंट लायबिलिटी 90,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस इज ऑल्सो करंट लायबिलिटी 27,500। नाउ यू जस्ट डू द टोटल्स, इफ यू टोटल दिस यू विल गेट 2,75,000, इफ यू टोटल दिस यू विल गेट 1,37,500।
अब आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हैं, यू जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला 2,75,000 डिवाइडेड बाई 1,37,500, सो करंट रेशियो इज 2:1. दैट मीन्स फॉर 1 rupees करंट लाइबिलिटी देर आर 2 rupees करंट एसेट्स. नेक्स्ट, अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोल रहे हैं करंट रेशियो निकालो और वर्किंग कैपिटल निकालो, राइट? तो पहले तो भाई करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. 5-6 लाइन छोड़ने के बाद आप कॉलम बनाओ, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, जो जहां आता जाए वहां लिखते जाओ, राइट? डेटर्स में चेक करने का बीडीआर है, तो जैसे पहला पहला डेटर्स है तो हमेशा डेटर्स में क्या चेक करने का, बीडीआर है क्या? है बीडीआर, तो काट के लिखने का 90,000 माइनस 20,000, डेटर्स 70,000. तो डेटर्स लिखा 70,000. नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है हमारे लिए? करंट लाइबिलिटी. बिल्कुल सही, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज के साइड लिखा. नेक्स्ट वी हैव करंट इन्वेस्टमेंट. अब ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट. अब करंट इन्वेस्टमेंट इज करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट इज करंट एसेट, करेक्ट? तो करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में लिखेंगे. ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम है, प्लीज ध्यान देना. क्रेडिटर्स इज अ करंट लाइबिलिटी, तो आप करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी 60,000. देन बीडीआर हम कर चुके हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज करंट एसेट्स. बिल्कुल सही, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स. देन बिल्स रिसीवेबल का बात क्या है, फर्नीचर नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी फर्नीचर इज नॉन करंट एसेट. देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश इन कैश इक्वलेंट. कैश इन कैश इक्वलेंट क्या है हमारे लिए, कैश इन कैश इक्वलेंट करंट एसेट्स. बिल्कुल सही, कैश इन कैश इक्वलेंट करंट एसेट्स. तो हम करंट एसेट्स में लिख रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज में लिख रहे हैं. बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज, तो बिल्स पेबल इन करंट लाइबिलिटीज. देन स्टॉक, स्टॉक इज करंट एसेट. परफेक्ट, स्टॉक इज करंट एसेट्स. Now we'll just total this. Calculus on. If you'll do, you'll get 2,20,000 and 1,20,000. Now you have a numerator and denominator, 2,20,000 and 1,20,000. So formula mein put kar lo, 2,20,000 divided by 1,20,000. Current ratio aa gaya 1.83:1. Correct? Iska matlab 1 rupee ki current liability ke piche 1.83 ke rupee ke current assets hain. Ab most important cheez puch raha hai wo. Kya puch raha hai? Working capital. अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. वी हैव करंट एसेट्स ऑफ 2,20,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज, वी हैव 1,20,000 करंट लाइबिलिटीज. सो वर्किंग कैपिटल टर्न्स टू हाउ मच, 1 lakh. तो ये एक इंपॉर्टेंट सम है. कभी कभी दो दो मार्क के सम्स भी आते हैं, लाइक तो दो मार्क में ये करंट रेशो का ये सम बिल्कुल आ सकता है. अब यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो भाई सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का अभी अभी आपने फॉर्मूला सीखा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है. अब मुझे वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो मैं वर्किंग कैपिटल के नीचे लिख देता हूँ 60,000, फिर इज इक्वल टू की साइन. करंट एसेट्स दे रखा है 1,50,000, वो लिख लिया, माइनस करंट लाइबिलिटीज नहीं है. अब करंट लाइबिलिटीज को मैं अगर लेफ्ट साइड ले लूं, करेक्ट, और 60,000 को राइट साइड ले लूं, चलेगा? बिल्कुल चलेगा. माइनस करंट लाइबिलिटीज उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा. 60,000 उधर प्लस से इधर आएगा, माइनस हो जाएगा. तो मुझे करंट लाइबिलिटीज मिल जाएंगी 1,50,000 माइनस 60,000 इज 90,000. बिल्कुल सही. अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, कितने हैं करंट एसेट्स, 1,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. कितनी है करंट लाइबिलिटीज, आपने निकाली अभी 90,000. सो करंट रेशियो इज 1.67:1. सो करंट रेशियो इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सम, दो मार्क में आ सकता है ये. अब कभी कभी लिक्विड रेशियो भी दो मार्क में आ सकता है, दो दो मार्क के दो रेशियोज पूछ लिए. अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. अब लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, तो लिक्विड एसेट्स 4-5 लाइन छोड़ दो. लिक्विड एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस.
करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास? 2 लाख माइनस स्टॉक, स्टॉक कितना है हमारा? 30,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। तो 2 लाख माइनस 30 माइनस 10 इज 1,60,000। नाउ यू हैव लिक्विड एसेट्स। अब जो 4-5 लाइन छोड़ी है वापस ऊपर पीछे जाइए, लिक्विड एसेट्स मिल गए। लिक्विड रेशियो इज लिक्विड एसेट्स 1,60,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 1,60,000। तो रेशियो आया 1:1, मतलब 1 रुपए के करंट लाइबिलिटी के पीछे 1 रुपए का लिक्विड एसेट्स है हमारे पास। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो निकालना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेने का, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। 5-6 लाइन छोड़ दो, राइट? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज को डिस्टिंग्विश कर लो। जैसे कैश एंड कैश इक्वलेंट है, पहला पॉइंट क्या है वो? करंट एसेट्स। तो कैश एंड कैश इक्वलेंट करंट एसेट्स लेफ्ट साइड लिखो। डेटर्स, डेटर्स में हमेशा क्या चेक करने का? पीडीआर है क्या? नो वी डोंट हैव बीडीआर, करेक्ट? तो 1,20,000 डायरेक्टली। अगर बीडीआर होता तो हम माइनस करके लिखते, करेक्ट? देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल 60,000, राइट? बिल्स रिसीवेबल इज अवर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की साइड लिखा। देन वी हैव स्टॉक, स्टॉक इज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में लिखा। देन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट्स इज करंट एसेट, बिल्कुल सही, करंट एसेट्स में लिखो। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इज अ करंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्सेशन प्रोविजन इज अ करंट लाइबिलिटी। तो ये सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं। यू हैव टू राइट डाउन, नोट इट, दिस कैरीज मार्क्स। टोटल करेंगे करंट एसेट्स का यू विल गेट 6 लाख, करंट लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे यू विल गेट 4,60,000। अब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हैं, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 4,60,000, करंट रेशियो इज 1.3:1। अब लिक्विड रेशियो, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज तो आपके पास पड़ी है पर लिक्विड एसेट्स नहीं है। अब लिक्विड एसेट्स के लिए फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ करंट एसेट्स आर 6 लाख, स्टॉक इज 1,40,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, करेक्ट? तो छोड़ दो, तो बस 6 लाख में से 1,40,000 माइनस करो। लिक्विड एसेट्स 6 लाख माइनस 1,40,000 कैलकुलेट ऑन 4,60,000, करेक्ट? नाउ 4,60,000 वी गॉट न्यूमरेटर 4,60,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 4,60,000, करेक्ट? सो व्हाट इज द आंसर? 1:1। सो लिक्विड रेशियो इज 1:1। नाउ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब सेल्स तो आपको दे रखी है 22,50,000, 22,20,000, जिसमें से सेल्स रिटर्न है 20,000, तो सेल्स तो मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया 20 लाख। वर्किंग कैपिटल नहीं दे रखा, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है अभी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने हैं? 6 लाख। करंट लाइबिलिटीज कितना है? 2 लाख। 6 लाख माइनस 2 लाख कितना हुआ? 4 लाख, बिल्कुल सही। अब सेल्स है, सेल्स हमेशा नेट सेल्स होनी चाहिए, समझने की बात है। टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा, तो 22 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इज 4 लाख, जो आपने कंप्यूट किया, करेक्ट? सो दैट टर्न्स टू हाउ मच? 5.5 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल रेशियो टाइम्स में आता है, जैसे डेटर्स रेशियो टाइम में आता है, क्रेडिटर्स रेशियो टाइम में आता है, राइट? वैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर टाइम्स में आता है, करंट रेशियो इज टू में आता है, प्रोपोर्शन में आता है। नेक्स्ट,
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखी है, क्या दे रखा है, जीपी रेट 25%। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट एलिमेंट दे रखा है 25%, तो मैंने प्रॉफिट के नीचे 25 रखा। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन सेल्स, तो मैं सेल्स के नीचे 100 लिखूंगा। ओके अब यहां पर इज इक्वल टू है और यहां पे प्लस है, तो सोचिए यहां कितना आएगा, यहां पे लेफ्ट साइड 100 है, यहां पे 25 है, यहां कितना आना चाहिए, 75। परफेक्ट। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना 15 लाख, करेक्ट, वो हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो सेल्स निकल सकता है क्योंकि इस समय हमें न्यूमरेटर ही नहीं था, वर्किंग कैपिटल तो दे रखा है, न्यूमरेटर नहीं था, करेक्ट। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट की मदद से अपन ने सेल्स निकाला, ये समय अपने सीखा, तो सेल्स आ गया 20 लाख। अब न्यूमरेटर पता चल गया 20 लाख, वर्किंग कैपिटल आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 2 मार्क का समय है, 3 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इज 6.67 टाइम्स, करेक्ट। अब इसमें एक और चीज आपसे पूछ सकते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर दो तरीकों से निकल सकता है, एक जो है वो आइडियोलॉजी है, वो सेल्स पर की आइडियोलॉजी है, दूसरी एक आइडियोलॉजी होती है जो होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है वहां कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल से भी आंसर निकालना है, सो यू नीड टू फाइंड टू आंसर्स व्हेन देयर इज सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोथ। जैसे इस समय है, अगर सिर्फ सेल्स दिया था तो हमने सिर्फ सेल्स पे निकाला, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 15 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 3 लाख इज 5 टाइम्स। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दो आइडियोलॉजी पे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की आइडियोलॉजी पर भी निकलता है और सेल्स तो बेसिक है। ओके नेक्स्ट, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें एक अच्छी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, अब इसमें 5-6 लाइन छोड़ दो आप और एक छोटा सा टी बना दो और जो डिटेल दी गई वो लिखते जाते हैं, जैसे टोटल एसेट दिया गया है, ये मेरा बैलेंस शीट है, यू कैन राइट बी डॉट बी स्लैश एस। तो टोटल एसेट्स यहाँ आते हैं, नॉन करंट एसेट्स एसेट साइड आते हैं, कितने दे रखे हैं 30 लाख। टोटल लाइबिलिटीज दे रखी हैं, टोटल लाइबिलिटीज मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इनका टोटल दे रखा है कितना, 20 लाख, जिसमें से कह रहा है कि नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो 10 लाख है, तो भाई बाकी हो गई करंट लाइबिलिटीज, ये सुनो टोटल 20 लाख हैं जिसमें से 10 लाख नॉन करंट है, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी, 10 लाख, बिल्कुल सही है। तो नाउ वी हैव अ करंट लाइबिलिटीज, अब करंट एसेट्स नहीं है हमारे पास, तो भाई टोटल कितना है 45 लाख, जिसमें से नॉन करंट एसेट्स कितने हैं 30 लाख, तो करंट एसेट्स कितने के होंगे, बैलेंस 15 लाख। तो हमने एक बैलेंस शीट का बना दिया, तो ये हमारा वर्किंग का पर्पस सॉल्व करेगा और ये ऑफिशियली वैलिड है, आप छोटा सा डी बनाएंगे तो यू कैन फाइंड। नाउ यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करेक्ट। करंट एसेट्स आपने अभी अभी निकाले कितना 15 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज 10 लाख, करेक्ट 5 लाख। नाउ वी गॉट वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर हमें दे रखा है कितना 25 लाख, सो व्हाट वी विल डू इज 25 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज 5 टाइम्स। अब इसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दे रखा है, तो उसका हमें झंझट नहीं करना है, करेक्ट। इसमें जो हम वो सिखाना चाहता है, वो ये चीज सिखाना चाहता है कि बैलेंस शीट का टी बना के आप वर्किंग कैपिटल निकालिए। ओके नेक्स्ट, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन द सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला लिखें, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ओके अब सेल्स नहीं दे रखा, अब सेल्स नहीं दे रखा, 4-5 लाइन छोड़ दो, अच्छा वर्किंग कैपिटल भी नहीं दे रखा, पर वर्किंग कैपिटल का डिटेल्स हमारे पास है, करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज भी हैं। ओके तो पहले वर्किंग कैपिटल लिख दो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट व्हिच इज 5 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 3 लाख, सो वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख।
अब मुझे डिनोमिनेटर तो मिल गया 2 लाख, पर न्यूमरेटर अभी भी नहीं है सेल्स। अब सेल्स कैसे निकालें? तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट? तो अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें इधर आ जाए, क्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाए, तो रिजल्ट क्या होगा? सेल्स। अब आप सर हमको सपना थोड़ी आएगा, तो भाई डिटेल देखिए क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट की डिटेल हो, यानी समझ जाना हमारे को इस फॉर्मूला से सेल्स निकालनी है। ये 4 मार्क्स का सम है और बोर्ड में आने के चांसेस मैक्सिमम है। ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना है? 8 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 32 लाख। तो सेल्स कितना हो गया? 40 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, प्लीज एग्जाम से पहले फटाफट देख के जाना। सेल्स आ गया 40 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख, 20 टाइम्स, परफेक्ट। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर भी निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 32 लाख। 32 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज 16 टाइम्स। विश यू गुड लक।